हेलो गाइस, मैं एसएस वाई आपका भाई। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। गाइस, आज मैं अपना स्पेशल जूस बना के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और काफ़ी टेस्टी जूस बनाता हूँ। टेस्ट तो नहीं करा सकता, बट दिखा के बता सकता हूँ कि हाँ, इतना जब बनने में इतना अच्छा लग रहा है तो पीने में कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस, अभी मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरे को पाइनएप्पल काटना पड़ेगा। मैं बाकी सब फ्रूट काट लिया हूँ और बस पाइनएप्पल काट के और आपको दिखाता हूँ मिक्स फ्रूट जूस मैं कैसे बनाता हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी। आप यकीन नहीं करोगे गाइस, कभी आप भी ऐसे बना के पियोगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत टेस्टी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हमने ले लिया है पाइनएप्पल और मैं इसको कटिंग करने जा रहा हूँ। कैमरा काफ़ी नीचे है और मैं ऊपर हो जाऊँगा तो आपको सिर्फ कटिंग दिखेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पाइन एप्पल कट गया है। देखिए ऐसा ही काटा जाता है जूस के लिए। पाइन एप्पल खाने के लिए काटना पड़ेगा तो इसको निकालना पड़ता है ऊपर से। ये बहुत ही अच्छे से कट चुका है। अब हमें जितना ज़रूरत रहेगा उतना ही ले लेते हैं। हमें इतना मिक्स फ्रूट के लिए ज़रूरत है तो हम इतना ले लेंगे। इसका अब हमने अलग से क्यों निकाला आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं इतना ले रहा हूँ जूस के लिए। और भी बाकी चीजें हमने पहले से काट के रखा है। ये देखिए पपाया और ये मस्त मेलन। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पाइनएप्पल डालेंगे, बिल्कुल पाइनएप्पल डालेंगे थोड़ा। और इसके बाद हम थोड़ा सा वाटर डाल के, इसका वाटर डाल दिए, अब इसका हम जूस बना लेंगे पाइनएप्पल का जूस। देख साइड में रखते हैं तब तक हम काट लेते हैं वाटरमेलन। ये है वाटरमेलन, थोड़ा सा कच्चा है लेकिन फिर भी चल जाएगा जूस में। वाटरमेलन तो काट लिया, इसको जितना जरूरत है अपने को उतना ले लेते हैं। याद रखिएगा गाइस, जब भी मिक्स फ्रूट जूस बना रहे तो जूस में सीड नहीं जाना चाहिए वाटरमेलन का। और बाकी हम साइड में रख लेते हैं थोड़ा सा निकाल के। हमने वाटरमेलन निकाल लिया है, थोड़ा भी सीड नहीं है। इसको कटिंग किया, ये जो पाइन एप्पल जूस बनाया था हमने उसमें डाला थोड़ा बस। इसको हमने कर दिया। अब ये देखिए, अब हम इसको छान लेंगे। छान के इसको भी साइड में कर दिए। अब हम इसमें डालेंगे फ्रूट। मस्त मेलन, मस्त मेलन। पपाया एप्पल सब थोड़ा थोड़ा डालेंगे गाइस, नहीं ज्यादा डालने पे उसी का ज्यादा टेस्ट आ जाएगा। और हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी। गाइस ये रहा स्ट्रॉबेरी जो कि हमने ठंडा किया है तो बर्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी।
स्ट्रॉबेरी डाल दी इसमें। और गाइस से हो गया फाइनली, इसमें दो चम्मच शुगर डालेंगे अभी। मुझे तो एक चम्मच लगता है, एक चम्मच शुगर डालेंगे, शुगर नहीं डाला तो भी काम चलेगा। मैंने एक चम्मच शुगर डाल लिया। अब हम इसमें पुराना अपना जो जूस बनाए थे उसको, जूस को डालेंगे। ये रहा जूस, एक गिलास जूस हो गया अपना। अब इसको अपना मिक्स जूस बन रहा है अभी, और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ देखो। पाइन एप्पल जो काट के रखा था पहले, उसका जरूरत भी पड़ गया अभी। वाटरमेलन इसको मिक्स कर लेंगे हम। आप अपना जूस लेंगे, देखिए काफी टेस्टी जूस दिख रहा है, देख सकते हो। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे, तो गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारा फ्रूट पंच जूस बन के तैयार हो गया है, देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसमें स्ट्रॉ डालेंगे, मेरा स्पेशल फ्रूट पंच जूस तैयार हो गया। आप देख सकते हो काफी अच्छा दिख रहा है देखने में, और इसका कलर भी काफी अच्छा है, और इसमें सारे फ्रूट मिक्स हैं आपने जैसा कि देखा। अब देखिए पी के मैं, गाइस बहुत ही टेस्टी लग रहा है, आप कभी भी पी के देखिए। और हाँ, जो पुणे से हैं हमारे पास जूस पीना चाहते हैं तो हमारे पास आके जूस पीजिए, और हम उनको अब डिस्काउंट भी दे देंगे। देख सकते हो काफ़ी अच्छा बड़ा भी गिलास है, 300 ml गिलास है, और जूस का प्राइस है 50 rupees। और पूरे जितना भी आपने देखा है सारे फ्रूट मिक्स रहते हैं हमेशा कंटिन्यू। इतना अच्छा लग रहा है कि पिए बिना रह नहीं जा रहा है। गाइस चलिए फिर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें बताइए आप कहाँ से हो, और पुणे में हो तो हमारे पास ज़रूर जूस पीने के लिए आइए। आप एड्रेस नहीं जानते हो तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, नहीं तो हमारे चैनल पे जाके चेक कीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पे, मतलब आपको दिख जाएगा कहाँ पे है मेरी शॉप।